इस संघर्ष नूं हुण धर्म दे नाल जोड़ के देखा जाण लग गया है। तो जिहड़े चाहुंदे ने भी इस दे विच इस मोर्चे नूं ढा लाईए वो कहिंदे ने भी इह धर्मां दी लड़ाई बनाई जा रही है सिखां दे वल्लों। खेती का की धर्म हुंदा है, कणक का की धर्म, फ्रूट सब्जियां का की धर्म, पानी का की धर्म। जिहड़े लोग इहनूं धर्म दे नां ते बदनाम करना चाहुंदे ने वो कभी आटा गुन के वेख लैन, उहदा कोई धर्म नहीं है, कोई उहदे चों आवाज़ नहीं निकलती किसी किस्म की। शहरों के शहरी भी कई लोग ये भी कह रहे हैं भी यार फसलों तो पिंड उगाते हैं तो पिंड वाले का मसला, अज शहरियों के नाल ये शहरी अपने आप उठ के आए हैं या फिर किसान हलूणा दे रहे हैं भी नहीं भाई। भाजपा आगू लगातार कह रहे हैं भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो लगातार गुमराह करे, तुसी किसानों वालों गुमराह होकर इत्थे आए हो जां तुसी भी गुमराह करन आए हो जी। चौपर मैं तुहाडे मुस्लिम भरावां दे नाल उत्थे खड़े हैगे उहनां दे नाल गलबात करदा सी, कई वीर अजिहे भी ने उह कहिंदे असीं तां जी रहि भी किराए दे मकान ते रहे, खेती तां बहुत दूर दी गल, पर उह इस संघर्ष दा हिस्सा ने जी, उह मतलब कि सिख भरा दिक्कत दे विच ने क्योंकि मेजोरिटी दे विच सिख किसान आगू लोग किसान हैगे ने जिहड़े उह खेती करदे ने, उहनां दा साथ देणा इह ने जां फिर अपनी भी रोटी बचाउण दे लई जी। साडा मकसद ये है कि ये अंदोलन जिहड़ा है साडे वर्गे लोगों की शमूलीयत नाल जनतक तौर पर नज़र आवे, इनू किसी धर्म का लेबल ना लाया जाए। किसान लगातार मोर्चियां च ने, मोर्चे लगे हुए ने वक् वक् थावां दे उत्ते, पर इस मोर्चियां की लड़ाई नूं हुण एक वक्रा रंग दिता जाण लग गया, इस नूं एक धर्म के नाल जोड़िया जाण लग गया, तो यह भी कहा जा रहा भी सिख हुण बाकी धर्मां दे लोकां नाल वितकरा जां वैर कमा रहे ने, हिंदुआ नाल भी गल आई है सामने भी इस तरह की की जा रही है। इस वेले साडे नाल शाही मां लुधियानवी जी हैगे ने, आपां गलबात करदे हां। समान साहब जी, इस संघर्ष नूं हुण धर्म दे नाल जोड़ के देखा जाण लग गया है, तो जिहड़े चाहुंदे ने भी इस दे विच इस मोर्चे नूं ढा लाईए वो कहिंदे ने भी इह धर्मां दी लड़ाई बनाई जा रही है सिखां दे वल्लों। नहीं, पहली गल तां इह कि अज लुधियाने दा जिहड़ा धरना रखा गया किसानां दे हक दे विच, इहदा मोटिव इह सीगा शहरियां दा कि किसानां दी जिहड़ी आवाज़ है उहनां दी जिहड़ी तकलीफ है उहनूं शहर दे लोग भी समझण जी। समझण क्यों? उह इसलिए समझण कि अगर खेत दे विच किसान परेशान हो गया तो उहदा असर 5-7 महीनिया च साडी दुकानां तक साडे कारोबार तक जिहड़ा है वह नैचुरली जिहड़ा है वह आ जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम जिहड़ा है वह बनया है, किसान खेत चों सोना उगांदा है उहनूं पूरे देश च वंडिया जांदा है, तो हर बंदा अपने अपने हिसाब नाल रिजक जिहड़ा है अगे लै के जांदा है। हुण रह गई कि इन्हां धरनियां नूं धर्म का नाम देना, खेती का की धर्म हुंदा है, कणक का की धर्म है, फ्रूट सब्जियां का की धर्म है, पानी का की धर्म है, इन्हां दा धर्म नहीं है। जिहड़े लोग इहनूं धर्म के नाँ ते बदनाम करना चाहुंदे ने वो कभी आटा गुन के वेख लैन, उहदा कोई धर्म नहीं है, कोई उहदे चों आवाज़ नहीं निकलती किसी किस्म की, तो इसलिए मैं कहना कि इक्को ही धर्म है इंसानियत, और यह साडा अन्नदाता है जिहड़ा इंसानियत का ढिड भरदा है जी, की समझियो, तो इसलिए इस लड़ाई नूं अगर इंसानियत की लड़ाई रहन दिता जाए तो चंगी गल। तो गल ये भी आ रही है बहुत सारे लोग कह रहे हैं भी शहरों के शहरी भी कई लोग ये भी कह रहे हैं भी यार फसलों तो पिंड उगाते हैं तो पिंड वाले का मसला, अज शहरियों के नाल ये शहरी अपने आप उठ के आए हैं या फिर किसान हलूणा दे रहे हैं भी नहीं भाई। इदा है कि शहरी पिछले 25-30 दिनों तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए किसानों उन्हों की तलब नू देख रहे जी। हुण आज दा युग जिहड़ा है वह मीडिया का युग है, और चंगा मीडिया भी है उहदे विच माड़ा भी है जिहड़ा कि लोगों नू पड़कान दा काम करता जी, उहदे सब दे दरमियान जिहड़ा सूझवान बंदा वह इस तकलीफ नू समझ रहा है भी हो की रहा है। ये तो नहीं गल कि कल्ला पंजाब च, पंजाब तो बाहरले सूबों के भी लोग इस तकलीफ नू समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों दी राजसी मजबूरियां होंदियां जिहदे करके वह सच्ची गल कहण तो खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन पंजाब जिहड़ा है पंजाब का इतिहास रहा है हरेक दौर च, अगर पिछले तो आप 2000 साल का इतिहास चक लीए तो पंजाब ने अन्न भी दिता है, हक और सच्चाई की लड़ाई जिहड़ी है वह लड़ी है। ये इस वेले जिहड़ी साडा मसला है किसानां दा ये किसी धर्म का मसला नहीं है, इनू अगर कोई बंदा धार्मिक बनाना भी चाहता है तो मैं समझता वो एक बेवकूफ़ी है और एक नाकाम कोशिश है जी कामयाब नहीं हुई जी। भाजपा आगू लगातार कह रहे हैं भी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो लगातार गुमराह करे, तुसी किसानों वालों गुमराह होकर इत्थे आए हो जां तुसी भी गुमराह करन आए हो जी। मैं भाजपा आगुआं नूं एक बेनती करना चाहना,
कि तुसी ये कह रहे हो कि ये कानून अच्छा है किसानों के फायदे लिए जी, तो तुसी किसानों समझा दो जी, उन्होंने अच्छी तरह समझाओ ताकि वो घर मुड़ जाए तो अपने खेतों काम कर जी। हुण तुहाडे समझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं समझ रहे इहदा मतलब है कि तुसी भी बैठ के एक बारी उन्हां दी गल समझो। तो बिल्कुल है, तो इमाम साहब किन्ने को कीलियां दी खेती करदे हो, किन्नी को एकड़ दी? देखो इदा है कि साडा परिवार पिछे तो जिमीदारा दा परिवार रहा, मेरा नानका परिवार भी सारा जिहड़ा जिमीदारा दा परिवार रहा। सानू एक इन्नी जी गल दी समझ है कि जिमीदार जिहड़ा है वह फसल नू अपने खेत नू अपने पुत्तां तो ज़्यादा अजीज समझता है, और सिर्फ वो इसलिए अपने लिए नहीं समझता क्योंकि उन्हें पता है कि ये जरिए बहुत सारी दुनिया तक जिहड़ा है वो अन्न पहुँचना। तो मैं भारत सरकार नू ये बेनती करना चाहुंना कि ये जिहड़ी अंदोलन है ये तुहानू कोई नीचे दिखाने लिए नहीं है, अपनी आवाज़ पहुँचाने दे लिए है। तुसी अगर किसानों के नाल अफसरों नू ना बिठाते आप बह जाते तो हो सकता अंदोलन खत्म हो जाता, किसानों नू उहदे दी गल समझ आ जाती या तुसी किसानों की गल समझ लेंदे। इसलिए आवाज़ खलक नकारा खुदा, आवाम की आवाज़ खुदा का नकारा होंदी है, इनू समझो, इन्हां दे नाल बैठो तो इस मसले का हल करो। तुसी जिमीदार परिवार चो पर मैं तुहाडे मुस्लिम भरावां दे नाल उत्थे खड़े हैगे उन्हां नाल गलबात करदा सी, कई वीर अजिहे भी ने उह कहिंदे असीं तां जी रहि भी किराए दे मकान ते रहे, खेती तां बहुत दूर दी गल, पर उह इस संघर्ष दा हिस्सा ने जी, उह मतलब कि सिख भरा दिक्कत दे विच ने क्योंकि मेजोरिटी दे विच सिख किसान आगू लोग किसान हैगे ने जिहड़े उह खेती करदे ने, उन्हां दा साथ देना इह ने जां फिर अपनी भी रोटी बचाउण दे लई जी? देखो असीं जिन्ने शहरी लोग हाँ भावें उह मुसलमान ने हिंदू ने सिख ने ईसाई ने दलित भाईचारे दे, हाँ जी, वह इस गल नूं पिछले एक हफ्ते तो महसूस कर रहे हैं कि किसान का मसला कल्ला किसान का नहीं, किसान की फसल मंडी च पहुँचेगी, आड़ती को पैसे आएंगे तो कपड़ा खरीदया जाएगा, सोना खरीदया जाएगा, त्यौहार मनाए जाएंगे, फिर अगे वो चीज़ा फर्टिलाइजर होकर दोबारा मार्केट के आनगियाँ। इस गल नूं समझाने के लिए लोगों च यही जागृति पैदा कर रहे हैं कि अगर तुसी किराए दे मकान ते भी रहने हो या तुहाडा डायरैक्ट जमीन के नाल कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि जमीन के नाल तुहाडी सुबह दुपहरे शाम की रिश्तेदारी है, नाश्ता खाना ते रात दे लंच दी ये रिश्तेदारी खत्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल, सो अज ही इस मोर्चे का हिस्सा बने हो जां फिर इस तो पहला भी वख-वख मोर्चे जाने तो लगातार असीं किसान भाइयों के नाल और दिल्ली अपने चंडीगढ़ किसान भवन च भी कई बार शंभू मोर्चे के उत्ते भी उगराहां होना दे नाल भी कई अलग अलग जगह जथेबंदियां दे नाल बैठना भी होया, कई धरने शामिल होने का मौका भी मिलया। साडा मकसद ये है कि ये अंदोलन जिहड़ा है साडे वर्गे लोगों की शमूलियत नाल जनतक तौर पर नज़र आवे, इनू किसी धर्म का लेबल ना लाया जाए। की लगता है की समझ आउंदी है जी भी किन्ना को लम्मा चलेगा तो किन्ने को दुख दे विच ने जी किसान भरा? देखो जब कोई टीचा हासिल करना होंदा वक्त तां उहदे लई लगदा, हाँ जी, किसान दुख दे विच नहीं है वह रोस दे विच ने, तो मैं समझदा भारत सरकार जिहड़ी है उन्हूं इन्हां दे रोस नूं समझना चाहिए। साडा मकसद सरकार नूं हिट करना नहीं, सरकार नूं चाहिए इन्हां नूं, ये तुहाडे भरा ने, इन्हां नूं मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के तोरो, जब ये माण प्राप्त करनगे तो तुहानूं भी माण ही मिलेगा। जदों भी नरेंद्र मोदी पंजाब आउंदे ने तां पंजाबियां दे बहुत ही गुण गाए जांदे ने, गुणगायन किया जाता है, पंजाबी है कौम है वो कौम है, बेशक पंजाब की जदों गल आउंदी है पंजाबियों की गल तां उहदे च हरेक धर्म के लोग आ गए, तो हरेक धर्म के जिहड़े पंजाब दे विच वसदे ने वो बहादुर मन्ने जांदे ने, ये मोदी साहब भी मानते हैं, फिर अजिहे कानून क्यों जी? असल दे विच की है कि राजसी मजबूरियां होंदियां, मेरे समझ दे नाल तां इह कि कई बार कोऑपरेट कराने जिहड़े है वो सरकारां नूं मजबूर कर देंदे ने कि नहीं इस तरीके नाल चलांगे तो साडा ज़्यादा बेनीफिट होएगा। लेकिन मैं राजसी आगूआं नूं एक गल कहना चाहुंना कि दो पैरलर चीज़ां, एक गौरमेंट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी। गौरमेंट जदों बनदी है उहदा जिहड़ा मुखी है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो जदों अपनी शपथ लैंदा है उहदा टीचा ये है कि जिन्हां ने मैनू बनाया इन्हां दा स्टाइल ऑफ लिविंग उपर चकना, बिल्कुल उहदे पैरलल जिहड़ी है प्राइवेट नैशनल लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं उहदा जिहड़ा सीईओ है उहने मालकां कोलों ये टीचा लिता हुंदा कि जनाब मैं तुहाडी कंपनी नूं वड्डी कंपनी बनाउणा, मैं इस कंपनी नूं ज़्यादा दौलतमंद कंपनी बनावांगा, उहदा टीचा तुहाडे स्टाइल ऑफ लिविंग नूं उपर चकना नहीं है। स्टाइल ऑफ लिविंग नूं उपर चकन दा टीचा तो असी प्रधानमंत्री साहब नूं दिता है तो मुख्यमंत्री साहब नूं दिता है, तो इसलिए सरकारां नूं ये गल समझनी चाहिए है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पैसा कमा के दे सकदियां हैं, तुहाडे लोकां नूं तुहाडे हिक दे नाल नहीं ला सकदियां। बिल्कुल, सो ए सी शाही इमाम उस्मान लुधियानवी जी जिन्हां दा यही कहना भी इस मोर्चे का वो हिस्सा ने अज इस करके भी
के लगातार ये कहा जा रहा भी धर्मों के पाड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं किसान भरा, पर इतने हिंदू भरा भी ने, मुसलमान भाई भाईचारा भी इतने जोड़ा है, मुस्लिम भाईचारा भी वेख्या जा रहा। सो लुधियानवी साहब ने भी अपने विचार रखे ने, तो यही नसीहत दी है भी जो नरेंद्र मोदी कर रहा वो ठीक नहीं कर रहा, तो भविख के इस दे नतीजे काफ़ी घातक हो सकते हैं, रुकना चाहिए है, रुकना चाहिए। लखविंदर सिंह ते सज्जन सैनी दे नाल जगदीप सिंह थली, पंजाबी लोक चैनल लुधियाना।